और रैप करो और रैप करो। यामाहा MT-15 ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। अब इसको स्कैन करेंगे। चीज तो मैं देखा है, कभी कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यामाहा MT-15 का एक और यूनिक फीचर ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हर गाड़ी में नहीं आ रहा है, लेकिन यामाहा की कई गाड़ियों में आ रहा है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फीचर क्या है, और फीचर ही उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो यूनिक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी का आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐप, बैटरी का साइन, मोबाइल का साइन। तो इस पे आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं इस पे अपना नाम लिखा था, जहाँ पे हाय बड्डी लिख के आता है वहाँ पे मैंने Atul 22 लिखा था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी यामाहा MT-15 को हम ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ये है नोएडा। नोएडा का सेक्टर 101 होगा, 102 होगा, अच्छे से मुझे कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे अपनी यामाहा MT-15 खड़ी है। DRL जलाते हैं थोड़ा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इस पे यहाँ पे कोई भी मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं है, लेकिन इस पे फीचर है तो कनेक्ट कर ही लेते हैं। जब वो फीचर है तो इसका यूज करना चाहिए एकदम बखूबी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है जिससे आपकी यामाहा MT-15 ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। तो हमको चले जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यामाहा बाई कनेक्ट, जैसे कि मैंने सर्च करके रखा है। तो यामाहा बाई कनेक्ट जब आप सर्च कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस ये डाउनलोड है और 25 MB का ऐप है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मतलब डाउनलोड का इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होके आ चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यामाहा बाई कनेक्ट के नाम से ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ये सबसे पहले कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं अलाउ कर दिया। इसके बाद फिर ये अपने आप ही ओपन होगा। तो राउंड राउंड घूम जाने के बाद इस पे देख सकते हैं ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इससे न्यू अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो न्यू अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं तो पहले इस पे रजिस्टर कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। बाकी न्यू अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक यार करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देंगे तो इस पर यहाँ पर नाम आ जाएगा कि आप इसमें क्या नाम डालना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना निक नेम Atul 22 करके। इसके बाद कंट्री मांग रहा है, तो यहाँ पर कंट्री में मैं इंडिया कर देता हूँ, क्योंकि अपन इंडिया के हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मांग रहा है, तो जेंडर आप डाल दीजिए, जो भी हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद ये सब आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखना है इस पर क्या आता है। तो ये देख सकते हैं अभी कुछ बाहर किया, आप देखते हैं क्यों बाहर किया। तो इस पर अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है। तो यहाँ पर है रिप्लेस CCU, तो अब हम CCU पे जाते हैं। बाइक को कर दिए बंद और CCU को स्कैन करते हैं। तो सीट खोलना पड़ेगा, सीट खोलो। तो सीट खोलने के लिए थोड़ा बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। तो सीट निकल आई है। इसके बाद यहाँ पे इसका QR कोड है, तो एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो ऐसे कुछ करके बाहर निकालेंगे। अब इसको स्कैन करेंगे। तो ये कुछ आ चुका है, ओके। और इस बार मैं फिर से इसको ओ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चाबी निकालो इसके, इसको ऑन करो, ऑन करो। तो देखिए बहुत से वीडियो में क्या होता है, बहुत ही जल्दी बता देते हैं कि ऐसे करो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। और मैं एकदम से जेन्युइन वाला बता रहा हूँ कि हाँ ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। पता नहीं मेरे से बन नहीं रहा है, इस वजह से है कि कुछ और दिक्कत है, और मैं तो ट्राई अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहा हूँ। तो ये आ चुका है, और इसके साथ अपने को सेलेक्ट करना है। अब आया है इस पर स्कैन CCU, बड़े ही मुश्किल से लगता है स्कैन कर पाएगा। ये स्कैन हो चुकी है और ये अलाउ कर रहा है, फ़ोन कॉल्स भी अलाउ कर रहा। अब ये कनेक्टिंग पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम पेयर कर देते हैं इसको।
रिपेयर भी कर दिया मैं। और इसके बाद आई अंडर स्टैंड कुछ आ रहा है इस पर, तो अंडर स्टैंड अबे टोटल माइलेज दिखा रहा, मतलब टोटल किलोमीटर 1547 है, तो मैं देख लेता हूँ 1547 है क्या, मतलब इस पर मोबाइल पे 1575 है और इस पर 1547 दिखा रहा, पता नहीं यार कैसा कम दिखा रहा है। तो ये लास्ट अपडेट कुछ ऐसे दिखा रहा, कनेक्टेड गुड और फ्यूल वगैरह लोकेशन, तो लोकेशन भी मान के चलिए कहाँ दिखा रहा है पता नहीं, लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से दिखा रहा है, ऑन रोड दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ है, अब देखते हैं इस पर मोबाइल का कुछ आता है कि नहीं, जैसे मोबाइल इस पर कनेक्ट होता है तो आता है, तो अभी मैं कॉल करता हूँ, मेरे में कॉल करो। तो ये बाइक कनेक्ट है, अच्छे से नहीं काम कर रहा भैया, नाम बस का है, नाम बस का है कि ये ब्लूटूथ है, इसमें 1547 ही आ रहा है। लेकिन इस पर एक चीज़ ये नहीं कि मतलब मोबाइल से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करो बाइक, बाइक को हम फिर से स्टार्ट करवा रहे हैं एक बार, देखते हैं इस पर रैप, हाँ और रैप करो, और रैप करो, हाँ ये देखते रैपिंग तो दिखाने लग गया, तो रैप तो दिखाने लग गया है कि रैप हो रही है बाइक। और मेन अभी क्या है ना, इसको मेरे को देखना है कि ये कैसे मोबाइल, मतलब फ़ोन अगर किसी का आता है तो कैसे कनेक्ट होगा। बंद कर दो बाइक, चालू रहने दो बाइक, फ़ोन लगाओ मेरे में। तो अभी बाइक चालू है और मेरे में, मैं अपने फ़ोन लगवाता हूँ दोस्त से, देखता हूँ क्या कहानी है इसकी। उस पर मतलब शो करना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड तो है और यहाँ पे बस ये ब्लिंक करता है कि हाँ फ़ोन आ रहा है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मोबाइल में भी आ रहा और इस पर ब्लिंक कर रहा, और कोई मतलब नहीं है। तो ये सब नॉर्मल फीचर हैं, कोई हाईटेक फीचर नहीं है। इसके नाम पे पैसा लेती है यामाहा और इसके नाम पे ये बताया जाता है कि बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, बाइक बहुत अच्छी है, तो ये सब बात नहीं है। चीज़ तो मैं देखा है, ये कभी कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता, इसमें सब इरर ही इरर रहते हैं। अभी जैसे फ़ोन आया तो उस पर ब्लिंक कर रहा था, फिर दोबारा मैं फ़ोन लगवाया तो कोई मतलब ही नहीं, जो कॉलिंग वाला जो आइकन रहता है वो ब्लिंक करने लग जाता है, लेकिन अब दोबारा ब्लिंक नहीं कर रहा है। और मैं ऐसा मतलब पर्सन हूँ कि आप लोगों को एकदम लाइव दिखाता हूँ, कोई आम इंसान यूट्यूब, जैसे यूट्यूब में देखोगे ना वो सब अच्छा ही अच्छा दिखाएंगे, ऐसा हो रहा स्किप कर करके पूरा दिखा देंगे कि हाँ हो गया, लेकिन जब रियल लाइफ में आप करने जाएंगे तो कितनी मुश्किल होती है, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। यही सब सिस्टम है, बाकी चलिए चलते हैं। अगर आप लोग भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं बताया हूँ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कर लिया है तो और अच्छी बात है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।